नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, फिर लाया हूं खबर के पीछे की खबर। खबर यह है, विश्व में हमारे देश के बच्चे स्कूल के बाद सबसे ज्यादा ट्यूशन क्लास में जाते हैं। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ग्लोबल एजुकेशन सेंसस के अनुसार हमारे देश में 74% बच्चे रेगुलर क्लास के बाद ट्यूशन क्लासेज जाते हैं। सर्वे ने यह भी बताया कि हमारे देश में 72% बच्चे एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी में दिल खोल के भाग लेते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हमारा एवरेज बहुत नीचे जाता है। हमारे देश में मात्र 3% ऐसे बच्चे हैं जो सप्ताह में 6 घंटे खेल को देते हैं। 37% बच्चे पूरे सप्ताह में मात्र 60 मिनट देते हैं खेल के लिए, और 26% बच्चे ऐसे हैं कि जो खेलने के लिए 1 सेकंड भी समय नहीं देते। खबर के पीछे की खबर यह है, हमारी सरकारें राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार देके अपना दायित्व पूरा हो गया ऐसी बात मानते हैं, लेकिन यदि उस राइट टू एजुकेशन को आपको एक्सरसाइज करना हो तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हमारे देश में नहीं है। शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम ये सरकार का है, लेकिन हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में ये बूमिंग इंडस्ट्री के रूप में आगे बढ़ रहा है। सर्वे ये भी बताता है कि हमारे यहाँ के टीचर्स में से मात्र 36% शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें इस बात का टेंशन रहता है कि हमारे बच्चे एग्जाम में अच्छा करें। बाकी टीचर्स बच्चों को भगवान भरोसे छोड़ते हैं और खुद निश्चिंत रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश में खेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। खेल मंत्रालय हजारों करोड़ रुपए खर्चा करता है खेल के लिए, लेकिन हम बार बार ओलंपिक्स जैसे बड़े कॉम्पिटिशन में खाली हाथ वापस आते हैं। वह सिर्फ इसलिए कि स्कूलों से जहाँ बच्चों को खेल के प्रति लगाव होना चाहिए वहाँ हम कोई फैसिलिटी नहीं देते। शायद सरकार की आँख अब खुले, कम से कम स्पोर्ट्स एजुकेशन मिनिस्ट्री इकट्ठा होकर काम करे और शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना दे कि अगले सेंसस में कम से कम हमारे यहाँ के बच्चे स्कूल में ज़्यादा पढ़े, ट्यूशन में कम। यह है खबर के पीछे की खबर। देखते रहिए धोबी घाट।